नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड में आजकल बहुत कुछ चल रहा है और ऐसी ही एक बात है जो सुन के आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे। तो बिना एनी डिले किए चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल सही सुने आपने, करीना कपूर खान रिसेंटली यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक से आउट हो गई है। ये फिल्म बहुत बज में थी क्योंकि उसमें यश के साथ करीना कपूर खान और कियारा आडवाणी दोनों लीड रोल में थे, लेकिन टाइमिंग एंड शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से करीना को अनफॉर्चुनेटली यह फिल्म छोड़नी पड़ी। थैंकफुली कोई क्रिएटिव डिफरेंस या दुश्मनी की बात नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक करीना और यश की शूटिंग डेट्स क्लैश हो रही थी। मेकर्स ने बहुत कोशिश की डेट्स अलाइन करने की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसीलिए आखिर में दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि अलग हो जाना ही बेटर है। करीना कपूर खान के जाने से मेकर्स के लिए थोड़ी दिक्कत जरूर आ गई है, बट दे हैवंट गिवन अप। टॉक्सिक मूवी में करीना कपूर खान यश की सिस्टर की रोल अदा करने वाली थी, जो स्टोरी में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मेकर्स अब एक न्यू पैन इंडिया फेस की तलाश में है जिनको वो ये रोल दे सके। सुनने में आ रहा है कि बहुत सी एक्ट्रेस के साथ बात चल रही है। वेल, करीना कपूर खान का जाने से डेफिनेटली फिल्म के लिए एक सेटबैक है, लेकिन मेकर्स ने ये क्लियर किया है कि वो कोई ऐसी एक्ट्रेस ही लाएंगे जो स्टोरी में फिट बैठ सके। इससे ये पता चलता है कि वो फिल्म को लेकर बहुत सीरियस हैं। वेल, मूवी की शूटिंग आज 3 में अभी कुछ घंटों पहले शुरू हुई है और मूवी का रिलीज डेट है अप्रैल 10, 2025। वेल दोस्तों, इस बुरी खबर से लग रहा है मे बी मूवी का रिलीज डेट को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। वेल, ये मेरा स्पेकुलेशन है, मूवी का रिलीज डेट आगे बढ़ाया जाए या फिर ना जाए उसमें कोई मतलब होना नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ मूवी कैसी है उसमें होना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है, आप खुल के कमेंट्स कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, एक और बात, टॉक्सिक मूवी का 2 पार्ट होने वाला है। वेल, इसको आप एक लीक या फिर र्यूमर के हिसाब से ले, इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। वेल दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।